व्यापारी को गोली मारकर लूटने वाले तीनों आरोपियों को मानधाता पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ जारी। कई चौंकाने वाली घटनाएं आ सकती हैं सामने। विगत 3 जनवरी को सनावत के सराफा व्यापारी पारितोष सोनी को गोली मारते हुए 3 लाख रुपए की लूट करने वाले तीनों आरोपियों को ओंकारेश्वर पुलिस ने रिमांड पर लिया है, साथ ही थाना मानधाता लेकर आई है। थाना मानधाता प्रभारी जगदीश पाटीदार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 जनवरी को सनावत निवासी पारितोष सोनी पर हुए हमले और लूट के अपराध में मनोज शर्मा, पिता बद्री शर्मा, उम्र 45 वर्ष है, निवासी दादा धुनी धरवार के पास किशोर नगर खंडवा, विश्वास सोनी पिता दिलीप सोनी उम्र 36 वर्ष छिपा कॉलोनी गुलशन नगर खंडवा और मोटरसाइकिल पर फरार होने में सहयोगी बने, संजय पिता बाबूलाल विश्वकर्मा लोहार उम्र 40 वर्ष निवासी 471 भवानी नगर सांवेर रोड इंदौर। इन तीनों गुनाहगारों को पुलिस ने रिमांड पर लेते हुए अन्य वारदात के बारे में भी पूछताछ करेगी। जब पत्रकारों ने आरोपियों और पुलिस के संयुक्त फोटो बनाना चाहे तो प्रमुख सरगना मनोज शर्मा पेंटर ने पत्रकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया और बड़ी ही दबंगता के साथ पुलिस के साए में पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए सवाल किया कि पत्रकार जब हम गिरफ्तार होते हैं और हमें सजा होती है तो पत्रकार मौजूद होते हैं, किंतु जब हम रिहाई और बरी होते हैं तब कोई पत्रकार क्यों नहीं मौजूद रहता। आरोपी द्वारा पूछे गए सवाल पर पत्रकार के साथ आई पुलिस भी सकते में आ गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आदतन अपराधी मनोज शर्मा और विश्वास सोनी कितने शातिर और अपराधों में महारत हासिल की है। गिरफ्तार होने और सजा होने का भी कोई भय और खौफ चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। पारितोष सोनी नाम का सनावत का लड़का यहाँ दुकान लगाता है, दुकान में सोना चांदी की दुकान के लिए सोना चांदी लेके आ रहा था, इनको अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया था। इस पर से प्रकरण दर्ज होकर तलाश चल रही थी। तलाश के दौरान आसपास के सभी थानों को सूचित किया गया था कि इस तरह की घटना हुई है, अगर किसी के यहाँ कोई ऐसे संदिग्ध आरोपी मिले इनके होली है। और जो FIR थी, FIR में कुछ लोगों ने उसको देखा था उधर भागते हुए, तो वो शूट आउट हो गया था कि विश्वास सोनी नाम का आदमी है इस घटना में। तो ये आसपास से हमारे द्वारा प्रसारित कर दिया गया था। इस पर से छिपाबड़ में इनको दिनांक 24/1 को वहाँ की पुलिस ने जंगल में कई सोते हुए दारू पी के सो रहे थे तो अचानक इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको तलाशी ली गई तो इनके पास से जो ओंकारेश्वर में लूटे थे पारितोष सोने से मसरूका करीब 10 तोला सोना है, उसमें झुमकियाँ है, बालियाँ है और अन्य आइटम्स जो है वो मिले, 2 चाकू मिले, 2 रिवॉल्वर मिले और नकदी 18,000 रुपये मिले। ये छिपाबड़ की पुलिस ने इनको पकड़े थे और हमें सूचना दी। इस पर से हमने उनको कल पुलिस रिमांड के लिए वहाँ मजिस्ट्रेट महोदय से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया। वारंट से फिर इनको हरदा जेल से लेकर के आए हैं। आज इनको हमारे जो क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट है पूना साहब JMFC वहाँ पेश किए जाकर इनसे इनका रिमांड लेकर के अन्य वारदातों में कहाँ कहाँ संलग्न रहे हैं इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब आज हम मजिस्ट्रेट महोदय से अधिक दिनों की रिमांड के लिए मांग करेंगे। अब वो जितने दिन का स्वीकृत करिए मजिस्ट्रेट के ऊपर है।